हे गाइस व्हाट्सअप, एक नया दिन, एक नई गाड़ी और एक नई वाइब के साथ हम फिर से हाजिर हैं। मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। आप कह रहे हो ये तो आज एकदम नई लोकेशन है, कहाँ पे है ये तो मैं आपको दिखा दूँ। हम खड़े हैं अभी टोल प्लाजा पे, यहाँ से पहले इसको जाने देता हूँ। गाइज अब तो आप समझ ही गए होगे कि हम किसी हाईवे पे हैं और ये है अपनी ट्रिप की स्टार्टिंग। लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाली है नैनो पे, जिसका बहुत टाइम से इंतजार था। यहाँ से निकलते ही हम पहुंच जाएंगे, अभी हमें दिल्ली हाईवे पे एक्चुअली, और अपनी नैनो से ही जा रहे हैं। बाकी एक चीज दिखाऊं, उसके अगले टायर तो सही है भाई, लेकिन इसके पीछे वाले टायर्स है ना, टायर्स बिल्कुल खत्म है। देखो एकदम खत्म टायर्स है। उधर वाला भी दिखा देता हूँ, ये रहे इसके टायर्स। तो भाई और बारिश का टाइम है, इतनी ज्यादा इशू हो रहा है, हम लोग बहुत गलत टाइम पे निकले हैं। लेकिन अब अपनी नैनो से ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई अब तो हो ही चुकी है। अभी फास्टैग का वो कर रहे हैं, फास्टैग का पुराना वाला तो शायद टर्मिनेट हो गया, आई डोंट नो। फिलहाल ये रहा टोल, अब ट्रिप को करते हैं अपनी स्टार्ट। सो आप लास्ट तक बने रहना और लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देख सकते हो आप कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और रोड पे इसमें बिल्कुल भी ज्यादा ट्रैफिक है नहीं। 60 की स्पीड में चल रहे हैं और एवरेज आ रहा है अभी ऑलमोस्ट 21 का, तो भाई एवरेज भी चेक हो जाएगा ट्रिप के एंड तक। और केबिन नॉइस तो आप सुन ही सकते हो, क्योंकि इसमें इंसुलेशन वगैरह ज्यादा कुछ आती नहीं है, तो केबिन नॉइस तो अच्छी खासी आ ही रही है। और बारिश की वजह से अभी 60 स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ रही है, वरना तो आराम से 100 भी जा सकती है ये। और भाई नैनो का एक फायदा तो ये है, वो देखो भीगते हुए जा रहे हैं ना। नैनो भले कितनी बेकार गाड़ी हो, एटलीस्ट बारिश से बचा रही है। मस्त एसी भी चल रहा है, एसी इसका इतना ज्यादा चल रहा है कि बंद ही करना पड़ गया, क्योंकि बारिश का मौसम है और ठंडा इतना ज्यादा कर रहा है। एवरेज भी टेस्ट हो जाएगा, देखो पूरा 21 पे आ चुका है और 60 की स्पीड मेंटेन है। जैसी बारिश रुकती है तो स्पीड कम ज्यादा भी होगी, तो लास्ट ट्रिप के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कितना एवरेज दे रही है। और अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं अभी जा रहा हूँ उसे लेकर दिल्ली फ्रॉम बरेली। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की ट्रिप है, जो कि इसकी अब तक की लॉन्गेस्ट होने वाली है। और भाई इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिप में आप देख सकते हो बारिश भी हो रही है, हर्डल्स भी आ रहे हैं और टायर्स तो इसके बेकार है ही। बाकी ये देखो रोड पे अभी कोई स्पीड में आता हो तो बताओ उसका क्या होगा। और बारिश में ब्रेक इसके वैसे ही इतने कम लग रहे हैं, मतलब इसके क्या किसी भी गाड़ी के कम ही लगेंगे। देखो सबको एकदम इमीडिएट ब्रेकिंग करनी पड़ गई, अगर कोई स्पीड में आ रहा होता तो बारिश में तो ब्रेक लगने का सवाल ही नहीं था। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें, अब जैसे जैसे जो जो आगे होता है वो आपको दिखाता रहता हूँ। और ये मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट व्लॉग है और मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं पहली बार नैनो से इतना लॉन्ग जा रहा हूँ, तो फिर आपको दिखाना तो बनता ही था। अब अगर बारिश थोड़ी हल्की होती है तो फिर से आता हूँ, अभी पहले ड्राइविंग पे फोकस कर लूँ। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं और अब बाहर का वो देखो जैसे शाम हो चुकी है। अब ये आईफोन यार इतनी क्लैरिटी दिखाता है, जस्टिस कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा 2 बजे के हिसाब से भाई एकदम ब्लैकआउट हो चुका है। देखो लाइट्स भी ऑन है, अब मैं आपको कैसे ही समझाऊं, अगर थोड़ा बहुत आइडिया दे पा रहा है फोन तो आप समझ लेना। बाहर आप देखो एकदम ब्लैकआउट हो चुका है और बारिश की स्पीड तो भाई बढ़ती ही जा रही है, एवरेज भी बढ़ता जा रहा है। 22 तक पहुंच गया था, अब थोड़ा कम हो गया। लास्ट तक मुझे देखना है कि 25 से ऊपर जा पाएगा नहीं जा पाएगा, इसलिए अभी मैंने फ्यूल भी नहीं पड़वाया, क्योंकि फ्यूल पड़वाने के बाद थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ ही दिखाता है, तो जो भी जेन्युइन एवरेज है वो देखना है मुझे इसका। बाकी बारिश आप देख ही सकते हो, बाहर अभी बादल भी देख लो एकदम ब्लैकआउट हो चुका है, रोड एकदम बिल्कुल खाली पड़ा है। और अभी तक तो परफॉर्मेंस एकदम मस्त आ रही है, बस बारिश की वजह से ब्रेक थोड़े कम लग रहे हैं, मतलब थोड़े ही नहीं ज्यादा ही कम लग रहे हैं। और वैसे भी इसके ब्रेक थोड़े है ही हल्के, तो फिर इसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। नाउ इट्स टाइम फॉर रिफ्यूलिंग, यहाँ से इसमें पेट्रोल पड़ता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। और भाई बारिश आपको दिखाऊं, बारिश तो भाई कंटिन्यूस होती जा रही है, यहाँ पे अभी दिखा दूंगा, पहले और चीजें दिखा देता हूँ। ये देखो कार एकदम मस्त वॉश हो चुकी है और ये जो भी मतलब स्मोक से निकलता है ना वो यहाँ पे पानी के बाद ऐसा रेनबो जैसा दिखता है। देखो ध्यान से कैमरे में भी एकदम क्लियर जस्टिस हो रहा है। बाकी भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है, बारिश आप देख सकते हो, पीछे से कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, एक मिनट अब दिखाता हूँ, विजिबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी है। यहाँ पे तो शेड है ना, इसलिए बाहर उतर के वीडियो बना भी पा रहा हूँ मैं। और बाहर तो यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी अब बोरिंग सी ट्रिप हो रही है बारिश की वजह से। यहाँ पे आप देखो ये पूरा एकदम पानी से भरा हुआ है, वैसे गाड़ी एकदम साफ हो चुकी है और टायर्स में से भी हीट की अच्छी खासी वो आ रही है स्मेल सी, और इसमें से भी स्मेल आ ही रही है हीट की। बाकी देखते हैं कि यार फ्यूलिंग होनी स्टार्ट रही नहीं हुई, तो ये कुछ है फ्यूल का,
शायद फुल हो जाए। पूरा 20 लीटर आया भाई। अब ऑटो कट तो पहले लग गया था, ऑटो कट से ऊपर तक पड़वाया तो भाई पूरा 20 लीटर आया है। आपको मैं मीटर में मतलब मीटर में दिखा देता हूँ कि कितना है। एक बार इसको घुमाया भाई, फुल हो गई एकदम एकदम फुल। और डिस्टेंस टू एम्प्टी 271, अभी शायद और बढ़ जाना चाहिए यार। 271 डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब यार ये तो काफी कम है। डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 271 तो यार ये हाफ टैंक में दिखा देती है कभी कभी, हाफ टैंक से मतलब थोड़े ज्यादा में। बाकी अभी देखते हैं। और एवरेज अगर आपको दिखाऊं तो एवरेज भाई कॉन्स्टेंट आ रहा है 21.9 का, और टोटल किलोमीटर्स अभी तक क्लॉक किए हैं ऑलमोस्ट 80 क्या पूरे 80 कर दिए भाई। यहाँ पेट्रोल पंप से निकलने में हो ही जाएंगे वो 80। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये अभी जितने साइन आ रहे हैं ना, हम वहाँ पहुंचने के बाद कितने से बचेंगे, और ये डिस्टेंस टू एम्प्टी कितनी बचेगी, कितने किलोमीटर चलेगी। बाकी यार बारिश ने सब एकदम खराब कर दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सा भी चल रहा है ये देखो। और ये पेट्रोल पंप है रिलायंस का, बाकी आप देख ही सकते हो गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है। बाहर से एकदम साफ हो चुकी है, एक टाइप से ब्रेक मिल गया गाड़ी को भी बारिश से। अब फिर से जाना पड़ेगा बारिश का, आप यहाँ पे देखो एक आइडिया। और भाई व्लॉग बनाने का मुझे गाड़ी में टाइम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इतने ज्यादा फोकस्ड होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है। इसमें से जो जो बातें बकवास की होंगी वो एडिटर कट कर देगा, तो मैं इस वक्त कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये वाली बात मत कट करना। बाकी अब निकलते हैं आगे, और अब कहीं ना कहीं ब्रेक लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत देर हो गई कार चलाते हुए। अभी हम लोग रामपुर से थोड़ा आगे हैं, अब गजरौला तक पहुंच के ब्रेक ले सकते हैं। आई डोंट नो, जो भी होगा आपको दिखाता हूँ। भाई फास्ट टैग का जो इतना कहते हैं ना कि अगर आप इतने टाइम पे नहीं निकले या उस लाइन से पीछे रहे तो फ्री हो जाएगा भाई, 10 मिनट से ज्यादा तो यहीं पे खड़े खड़े हो गए। और कोई यहाँ फ्री करने वाला है? अब आप खुद देख लो। अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊँ ना तो 20 मिनट की वीडियो तो यहीं पे बन जाएगी। इन्हें फ्री करना चाहिए भाई, अब इसके लिए किस तक बात पहुंचाई जाए। अब मेरा चैनल तो फिर भी इतना छोटा है, बड़े बड़े चैनल वालों ने भी ये बोल दिया, फिर भी किसी की कोई वो नहीं है। देखो अभी आप खुद देख सकते हो कितनी देर हो गई, और कार आगे तक नहीं बढ़ी है कोई सी भी। यहाँ पे आप देखो फास्टैग का फिर काम किया है, अगर यहाँ पे फास्टैग लगने के बाद भी इतनी देर लगेगी तो भाई बारिश अभी भी होती जा रही है। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं बीकानेर वाला पे, रास्ते पे यही था। और भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है। ये रही अपनी गाड़ी, इसको ब्रेक दे दिया थोड़ी ये भी ठंडी हो जाए। पार्किंग कहीं नहीं मिली, लेकिन इसे तो कहीं पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बारिश देख सकते हो कि हो रही है लगातार। अब मिलता हूँ ब्रेक के बाद, और अब निकलते हैं आगे, अंधेरा भी होने वाला है। लाइट्स तो वैसे इसमें एलईडी लगी हुई हैं, कोई दिक्कत होने नहीं वाली, लेकिन बारिश की वजह से इशू होगा, तो ज्यादा देर नहीं लगाते, निकलते हैं यहाँ से। गाइस सेकंड स्टॉप ऑफ द डे सेवा टूरिस्ट ढाबा। यहाँ पे मतलब वैसे नहीं रुके कुछ खाने वाने के लिए, ना गाड़ी को ब्रेक देने के लिए रुके, जस्ट कुछ ऐसे अंदर लेने गए हुए। और भाई बारिश अभी तक हो रही है। तो भाई एकदम साफ कहते होगे कि रात कैसे हो गई है, पूरा सीन चेंज हो चुका है। तो ये देखो यहाँ के ये बड़े बड़े चौड़े रोड्स देख के, दूर दूर तक इतनी लाइटिंग देख के, और ये देखो व्यू, आप समझ ही चुके होगे कि हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमारी डेस्टिनेशन थी। और बात करो गाड़ी की, तो गाड़ी खड़ी है कुछ यहाँ पे, शायद इधर पेड़ के पीछे खड़ी है गाड़ी। मैं आपको दिखाता हूँ सुबह और पूरा जो मैंने था अब तक की जर्नी का आपको बता दिया अच्छे से। बाकी यहाँ का व्यू आप पूरा चेक कर सकते हो। सो गाइस मेरा पहला व्लॉग का एंड था वीडियो का, जो कि हमारी नैनो के साथ था। बहुत टाइम से मुझे गाड़ी को कहीं बहुत दूर लेके जाना था, ये दूर तो नहीं है यार, अभी कहीं और लेके जाने का प्लान है मेरा, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस प्लान कर रखी है मैंने। नैनो में यहाँ क्यों लेके आया हूँ, क्या करने वाला हूँ, सब आपको पता चल जाएगा। जो मैंने प्लान किया है ना अब जो चैनल पे आने वाला है, जो मैं गायब हुआ था इतने टाइम यूट्यूब से, तो कुछ बड़े ही लेवल
पे करने के लिए आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। और ये बुलेट वाला इंटरप्ट कर रहा है, 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। भाई इन लोग को पता है क्या कहना चाहिए। सो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और आप बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा नैनो में, आपको ये सीरीज कैसी लगी। और बारिश बहुत ज्यादा थी भाई, गाड़ी कहीं भी बंद नहीं पड़ी। मैंने इसको इतने इतने पानी में से निकाला ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता मेरी गाड़ी बंद पड़ जाती भाई। लिटरली टायर से ऊपर तक पानी था, होंडा सिटी इतनी सारी बंद पड़ी हुई थी और भी सारी कार्स थी, बट मैंने इसको थोड़ी ट्रिक से निकाला, गाड़ी कहीं बंद नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं इतनी बार यहाँ तक आया हूँ बहुत सारी अलग कार्स से, सेम एक्सपीरियंस था। बाकी व्यू आप चेक कर ही चुके हो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। We'll be right back.